खुश होगा, हमको ये बताओ। योगी जी जानते हैं ये 3 तलाक का मतलब क्या है? उनको अभी ये 3 तलाक की ABCD आती है, खाली उन्होंने बस लागू कर दिया। शादी नहीं हुई वो क्या जानते? पैसा रखा जाता है। नहीं, हम लोग नहीं खुश है। काहे का खुश है? भाई और क्या है, ये कोई बात है? अब जोधपुर चलो, यही लेके चलो तलाक वाला, कभी जो है वो लेके चलो कि मुसलमानों के पीछे पड़ना है उनको। कुल मिला के दंगा कराना है तो मुसलमानों का नाम पहले आए। अब आ ही नहीं रहा है कि मुसलमानों का नाम आए, उनके हिंदू भाई को पहले नाम आते हैं। 3 तलाक की बात जो करी गई है वो गलत है। हम लोग को अपने इस्लाम में चलना है और इस्लाम के लिए ही वर्क करना है। 5 साल में योगी जी आए, एक दिन नहीं आए। वो खाली राशन में गेहूँ चावल दे रहे, उससे प्यार बचाएगा पब्लिक का? भाई और भी तो राशन मिलना चाहिए। तेल दें, पैसा दें, आदमी को नौकरी दें। इतना महंगा तेल हो गया, इतना सब कुछ हो गया, आदमी कितना खरीदे? एक तो मेरी बच्ची है, हम उसको नहीं पढ़ा पा रहे। इतना पैसा हो तो फिर बच्चों को पढ़ा भी ले, ना किताबें ले पाओ। किताबें इतनी महंगी कि आदमी पढ़ा नहीं सकता, ले नहीं सकता। जब आमदनी नहीं होगी तो आदमी कहाँ से पढ़ाएगा? कारोबार इतना खराब चल रहा है, हर चीज की इतनी महंगाई है कि चावल गेहूँ से आदमी पेट भर जाएगा जब गैस सिलेंडर नहीं होगा। गैस सिलेंडर जब भी तो गैस सिलेंडर चला गया 1000 रुपये, गरीब आदमी के पास नहीं होगा, खत्म हो जाएगा तो काहे में पकाएगा? वो ऐसी सरकार किस काम की? अखिलेश मुख्यमंत्री रह चुके, क्या क्या किया? बहुत कुछ बनाया। क्या बनाया? लखनऊ में बनाया, क्या कहते हैं यहाँ मेट्रो जब बन रही थी शुरुआत उसी के थी। यहाँ हमारे क्या कहते हैं कैम्ब्रिज के पास सड़क गंदा रही थी, वो भी उन्होंने सही कराई। बहुत सा काम किया, ये ना कहो कि नहीं किया। अखिलेश ने पैसे भी दिए, लैपटॉप भी दिया, साइकिलें भी बांटी, सब कुछ किया। क्या नहीं किया? अच्छा हाँ, इन्होंने खाली गेहूँ चावल खिलाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं MCD न्यूज़ और हम आ गए गोविंद नगर विधानसभा के रोशन नगर इलाके में। आप देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ हैं, बहनें हैं, तमाम लोग हैं। मैं इनसे पूछूंगी क्या इनकी दिक्कत है, क्या इनका माहौल है। बताइए, आपका क्या नाम है? हमारा कमर जहाँ नाम है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? प्रॉब्लम क्या है? देखिए, नालियाँ सही नहीं है, पानी निकलने की सुविधा नहीं है, और हम लोग के बच्चों के पढ़ने के लिए जो है पैसा मिलना चाहिए, वजीफा मिलना चाहिए। हमने भी B.Sc कराया है और जो है हम जो है OT असिस्टेंट का कोर्स भी करा रहे हैं बच्चों को। हाँ। तो वजीफा तो मिलना ही चाहिए, बच्चों को आगे चल के नौकरी मिलना चाहिए। हमारी समस्या है। तो कोई आपके तमाम जो नेता है, लोग समस्या सुनने आते हैं? 5 साल की नहीं, अभी तो कोई नेता नहीं आया। 5 साल में योगी जी आए, एक दिन नहीं आए। वो खाली राशन में गेहूँ चावल दे रहे, उससे प्यार बचाएगा पब्लिक का? भाई और भी तो राशन मिलना चाहिए, तेल दें, पैसा दें, आदमी को नौकरी दें। अच्छा ये बताइए तो नहीं, अभी देखिए अब 5 साल हो गए, अब तो चुनाव, अब तो जनता के बीच उन्हें आने पर क्या सोच के वोट देती है, क्या काम करे आपके भाई? हम लोगों का काम सुने, हम लोग को जो है सुविधाएं साल अच्छी हो जाए। मतलब काम जब अच्छा करेगा तो भाई हम लोग आगे भी चुनने के लिए उसको वो देंगे। तो ये बताइए, योगी जी ने राशन दिया, इससे आप खुश नहीं? और आप नहीं, हमको कोई खुशी नहीं है। राशन देने से कोई खुशी होती है? हाँ। गेहूँ चावल से कोई खुशी नहीं होती है। महीना भर जो चल जाता भाई आदमी, देखिए अगर 30 किलो 50 किलो दे रहे हैं तो क्या महीना भर पब्लिक खा लेगी? किसी का परिवार बड़ा है, किसको समर्थन? आटा देने के बाद तेल गैस, हाँ तेल गैस, और गैस देखिए इतना महंगा हो गया। इतनी सरकार आई, कभी सिलेंडर महंगा नहीं हुआ, पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ। अब आज देखिए पेट्रोल डीजल भी महंगा हो गया। आदमी गाड़ी लेगा तो चलाएगा कहाँ से, जब कमाने धंधा जरिया नहीं होगा तो। क्या नाम है आपका? नूरजहाँ। ये बताइए कि अब आप कह रही हैं, लोग कह रही हैं बहुत महंगाई है, राशन से वो नहीं होता, आपकी क्या समस्या, क्या चाहती हैं आप? हम तो उनसे ज़्यादा ही वो हाल है कि हम ना भैया, इतना महंगा तेल हो गया, इतना सब कुछ हो गया, आदमी कितना खरीदे? एक तो मेरी बच्ची है, हम उसको नहीं पढ़ा पा रहे। इतना पैसा हो तो फिर बच्चों को पढ़ा भी ले, ना किताबें ले पाओ। किताबें इतनी महंगी कि आदमी पढ़ा नहीं सकता, ले नहीं सकता। जब आमदनी नहीं होगी तो आदमी कहाँ से पढ़ाएगा? कारोबार इतना खराब चल रहा है, हर चीज़ की इतनी महंगाई है कि चावल गेहूँ से आदमी पेट भर जाएगा जब गैस सिलेंडर नहीं होगा। गैस सिलेंडर जब भी तो गैस सिलेंडर चला गया 1000 रुपये, गरीब आदमी के पास नहीं होगा, खत्म हो जाएगा तो काहे में पकाएगा? वो ऐसी सरकार किस काम की जो गरीबों को सुविधा ना मिले? अरे सुविधा मिलती है जब गरीब खुश होता है, तभी उनकी जो है ऊपर पोस्टिंग भी होती है। तो गरीब नहीं खुश होता है तो उसकी पोस्टिंग भी नहीं होती है, ये भी समझ लीजिए। चलो आप उस बारे में बोलो। ये बताइए, तमाम पार्टी के लोग आ रहे होंगे वोट मांगने, किस आधार पर? अभी तो ऐसे कोई पार्टी आई ही नहीं है जिसको हम बताएं कि वो आ रहे हैं, हमको कहो सपोर्ट दो या कुछ करो। अब अगर अखिलेश भाई आ जाएंगे, अगर भाई गरीबों के लिए कुछ मदद करेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। और पहले कला भी था, बच्चे अब जाते थे वहाँ पढ़ने तो उनको वजीफा मिलता था 300-300 मिला, 33,000 मिला। आजकल तो योगी जी किसी को दिन 33,000 अपने जानने वालों को साइकिल दे दिया, पब्लिक यहाँ बैठी है, लेबर कार्ड भी बनवा के बैठी है, कोई सुविधा नहीं ना। जो लेबर कार्ड भी बना उसमें ना पैसा आ रहा ना कुछ आ रहा है, बस वो रखा है तय और कुछ नहीं ना। अच्छा, बच्चों को क्या करे, कैसे पढ़ाए, कैसे लिखाए, बताओ। अच्छा अखिलेश जी जो वादे कर रहे हैं, क्या क्या वादे कर रहे हैं आपको पता है? भैया मेरे यहाँ टीवी नहीं ना, तो हम क्या बतावे क्या वादे है उनके। अच्छा टीवी देख नहीं पा रही है, आपको पता है नहीं तो क्या पता चलेगा भाई। अच्छा है। अब भैया किराए के मकान में रहते हैं, हम लोग का अपना मकान नहीं है, हम लोग को ये भी टेंशन रहती है भैया इतना किराया देना, 3,000-6,000 किराया देना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी हमको सब करना, कहाँ से गरीब आदमी पढ़ा लेगा बताओ। गरीबी के बच्चे जाहिल रह जाते हैं जिनके उनके पास होता नहीं है। जब होता है ना तो बच्चों को सोचता है BHD करा दे, इंटर करा लें, BA करा लें, वो करा पाते जिनके वो पैसा होता है। अब यह किराया भी दो, बिल भी दो, तो कहाँ से पढ़ा लेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीमा है। हाँ, क्या क्या समस्या है आपकी बताइए। समस्या बता तो बोलते साथ में। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 हैं। अच्छा, तो रोजगार नौकरी है आप लोगों के पास, क्या काम धंधा है? वो लेबरी कार्य, सब लेबरी काम करते बच्चे हमारे। अच्छा, तो काम मिलता है? अरे 4 दिन करें, 10 दिन बैठ गए तो बराबर हो गया। अच्छा, तो रोज काम नहीं मिलता है तो आप किसको, आप किस आधार पे समर्थन देंगी? क्या आपकी जब हमारा भला होगा तभी समर्थन। क्या चाहती हैं बताइए? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नौकरी करने लगे। तो आप रोज तो रोजगार चाहती हैं, और क्या चाहती हैं आप? बहुत समस्या, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, घर में बैठे 3 साल से 2 साल से स्कूल ही बंद चल रहा है। किस चीज़ की सुविधा? कोई चीज़ की सुविधा नहीं, परेशानी और बढ़ जाती है। किसको आप, किससे आपको उम्मीद है, मतलब मुख्यमंत्री के रूप में प्रियंका गांधी, अखिलेश या योगी जी, किससे उम्मीद है आपको? उम्मीद तो वही मुलायम से है, अखिलेश से। हाँ। क्यों अखिलेश से क्या मांगले, क्या वादे कर रहे हैं आपसे? हमसे कोई वादे नहीं। हाँ। हम हमसे वादे करके क्या करेंगे, जो सब करेंगे वही हमारे साथ भी। कानपुर को मेट्रो सिटी बना दिया। और क्या क्या किया अखिलेश? मुख्यमंत्री रह चुके, क्या क्या किया? बहुत कुछ बनाया। क्या बनाया बताइए? लखनऊ में बनाया, क्या कहते हैं यहाँ मेट्रो जो बन रही थी शुरुआत उसी के थी। यहाँ हमारे क्या कहते कैम्ब्रिज के पास सड़क गंधा रही थी, वो भी उन्होंने सही कराई। बहुत सा काम किया, ये ना कहो कि नहीं किया अखिलेश ने। पैसे भी दिए, लैपटॉप भी दिया, साइकिलें भी बांटी, सब कुछ किया। क्या नहीं किया? अच्छा हाँ, इन्होंने खाली गेहूँ चावल के लाया। तो गेहूँ चावल से अच्छा नहीं लगा आपको, मजा नहीं आया, मतलब पर्याप्त नहीं था गेहूँ चावल? अरे बच्चों की जब रोजी लगी रहेगी ना तो खुद खरीद लेंगे। हाँ, वो ठीक रहेगा। अब ये परेशानी से वो परेशानी, जाओ सुई लगवा, बिना सुई लगवाए तुम्हारे राशन नहीं मिल रहा है, अब तो ये परेशानी आ गई। तो कोरोना का जो इंजेक्शन लग गया उससे तो आपको सुरक्षा हुई? अरे मैम आप नहीं जानती, कोरोना आपने कह दिया का पहले के वक्त में डबल निमोनिया नहीं होती थी तो उसमें नहीं आदमी खत्म हो जाता था। अब तो बूढ़े और बच्चे जवान सभी जा रहे हैं, तो कहा उन लोगों के डबल निमोनिया हो गया, वो कोरोना ने नहीं, सब कहने की बात। अच्छा, आप बताइए क्या किसको समर्थन करेंगे और क्यों? जो देश का भला चाहेगा समर्थन उसी का किया जाएगा। जो देश में जितनी भी जनता है जो परेशान हो रही है भाई, वो सुकून से रहे, जिए खाएं आराम से। यहाँ तो आदमी सुकून से पकाता है तो खा ही नहीं पाता है। क्या दिक्कत? 2 रुपए की चीज़ 10 रुपए में हो रही है। तो आपको किससे उम्मीद है, कौन देश में कौन सुकून ला सकता है, कौन शांति ला सकता है? अब शांति अभी तक तो जो काम बेहतर किया है अखिलेश ने किया है, और उसके बाद देखिए अब आने वाला वक्त बताएगा ही, तो वोट ही से मालूम हो जाएगा किसको मिल रहा है। इसलिए कि जनता जब समझ लेती है तो उसी को समर्थन देती है जिसमें जनता का भला होएगा, और जब भला ही नहीं होएगा तो समर्थन देने से फ़ायदा क्या? 5 नहीं 10 साल हो गए बैठे हुए, क्या मिला जनता को? कोरोना काल में सबको अंदर कर दिया, अब भूखे मर रहे हैं कि बिना इलाज के मर रहे हैं उनका पता ही नहीं है। नाम कोरोना का, जितनी बीमारियां हैं सब बीमारों का इलाज ही नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को फ्री टीका मिला, फ्री राशन मिला, इससे कुछ नहीं आप? राशन तो जब से दुनिया चल रही मिलता ही है, अब उसमें 1 पैकेट तेल बढ़ा देने से क्या मिल जाएगा? जो 60 रुपये किलो तेल था 200 रुपये किलो तेल हो गया है, उसमें अगर 1 पैकेट 1 महीने में मिल गया तो क्या हो जाएगा? उससे कुछ भला नहीं होना है ना। जब आदमी कमाएगा तो चाहे महंगा या मद्दा होगा खरीद के खा लेगा, फ्री मिलने से कुछ लाभ नहीं होना है। गेहूँ और चावल होने से, गेहूँ चावल तो हमेशा मिलता रहा, जब मद्दी का जमाना था जब भी मिल रहा था, आज जब चावल भी मिलता था, इतना महंगा है जब भी मिल रहा है। शक्कर तो गायब ही कर दिया, मिट्टी का तेल गायब ही कर दिया है। अब जब इलेक्शन का टाइम आया तो उसमें नमक और तेल दे दिया है। इलेक्शन बाद को वो भी बंद हो जाए, चावल गेहूँ मिल रहा है। अच्छा, जैसे भाजपा सरकार कहती है हमने महिलाओं के लिए बड़ी सुरक्षा कर दी, महिलाओं के लिए सुरक्षा तो बिल्कुल किया है। सारी महिलाएं घर से बाहर खड़ी हो जाएं, घर के काम भी करें, यही सुरक्षा है। घर का काम करके भागते हुए जाओ, राशन की लाइन लगाओ, भागते हुए जाओ, बैंक में लाइन लगा के खड़ी हो जाओ। काहे कि महिलाओं से भाई काम जल्दी होएगा, महिलाओं के नाम पे कर दिया। जो आदमी करते थे वो भी काम औरतों को ही दे दिया, इतनी सुरक्षा दे दिया है। अच्छा, हाँ, सब लाइन में खड़ी रहती हैं भाई। पहले आदमी लोग जाके राशन ले आते थे, अब औरतें जाके खड़ी रहती हैं। उनको टाइम ही नहीं है जो घर में सो सके, आराम कर सके। घर का काम आदमी तो करेंगे नहीं, तो घर और बाहर दोनों का काम औरतें करें। इतनी सुरक्षा कर ही दिया। सुरक्षा कुछ भी नहीं किया है। कहीं पे कोई सुकून नहीं है, ना कोई आराम में है भाई। इनके पास सिर्फ एजेंडा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। सुकून नाम की चीज़ ही नहीं, आपस ही में लड़ते मरते रहो, यही है। अब जनता भी बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है, कोई परेशान होने वाला नहीं है। सब कमाएंगे सुकून से और खाएंगे सुकून से। इलेक्शन होने दीजिए, सामने आ ही जाएगा क्या सच्चाई है, कौन कितना काम कर रहा है, सबका काम दिख जाएगा। अच्छा, अखिलेश यादव को आप अच्छा सीएम सोच रही हैं, अच्छे सीएम होंगे, क्या उम्मीद है? उन्होंने कहीं पे कुछ जनता के साथ वैसा भेदभाव नहीं किया है ना। हर एक के साथ एक लाइन में तोला है, जिसको भी कोई नाम पे किसी का कोई काम नहीं हुआ है। जनता के सुकून के लिए हर काम हुआ है। अब बताइए, बड़े हैं ऑनलाइन पढ़ लेंगे, बच्चे तो मोबाइल में वो गेम खेलेंगे या ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, सारी पढ़ाई चौपट हो गई। योगी जी कहते हैं हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा काम किया, 3 तलाक कानून लिया, इसलिए बहुत खुश है हमसे। 3 तलाक कानून योगी जी क्या बताएंगे? अरे जब आदमी रखना नहीं औरत को चाहेगा तो योगी जी क्या जबरदस्ती रखवा लेंगे? ये कोई कानून है? अरे जब घर में बच्चे माँ बाप को ना देना चाहें तो वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या करेंगे? ये तो हमारे अंदर होना चाहिए। आपकी हम इज्जत करें ना करें, आपका सम्मान करें ना करें। अम्मी अभी भी आपस में रोज मार खाते रहेंगे तो क्या वो योगी जी आकर समाधान करते रहेंगे उसका? वो तलाक का समाधान कुछ भी नहीं हुआ। जो तलाक हो गया वो हो गया। बंदूक की गोली निकलती है तो इंसान मर जाता है, चाहे मुकदमा उस पर दायर होता रहे, वही तलाक है। वो बेवकूफ़ बना करके किसी को भी, जो 2-4 ना जानती हो, वो खड़ी हो गई होंगी कि हाँ हम खुश है, मेरे लिए फ़ायदा हो गया। ऐसा कुछ नहीं। आप बताइए, आप 3 तलाक से खुश नहीं है? 3 तलाक से कौन खुश होगा, हमको ये बताओ। योगी जी जानते हैं कि 3 तलाक का मतलब क्या है? उनको अभी ये 3 तलाक की ABCD आती है, खाली उन्होंने बस लागू कर दिया। शादी नहीं हुई वो क्या जाने? तो कैसे रखा जाता है? पहली बात तो यही बताएं वो। नहीं, हम लोग नहीं खुश हैं। काहे का खुश है? वो तो और क्या है, ये कोई बात है? अब झूठ मूठ चलो, यही लेके चलो तलाक वाला है। कभी जो है वो लेके चलो कि मुसलमानों के पीछे पड़ना है उनको, कुल मिला के दंगा कराना है तो मुसलमानों का नाम पहले आए। अब आ ही नहीं रहा है कि मुसलमानों का नाम आए, उनके हिंदू भाई कुछ पहले नाम आते हैं। क्या नाम है आपका? दुलारी देवी मिश्रा। हाँ, दुलारी देवी जी, ये बताइए, इस समय चुनावी माहौल चल रहा है और इस रोशन नगर इलाके में क्या समस्याएं, नेता लोग पूछने आ रहे हैं आपका हालचाल? कहाँ आ रहे हैं, कोई नेता नहीं आ रहे यहाँ। हाँ, हमने तो कोई नेता नहीं देखा यहाँ। किसको आप समर्थन करेंगे और क्यों? क्या चाहती हैं आप यहाँ जो आपका नया विधायक बने, उससे क्या चाहती हैं आप? अरे भैया, सबको रोजगार दें। हमारा लड़का तो बेरोजगार देखो है, उसे रोजगार नहीं है, तो यही हम चाहते हैं। और क्या, और राशन तो मिल ही रहा है, राशन तो दे रहे। राशन मिलने से खुश हैं आप? हम बहुत खुश हैं। तो ये बताइए, योगी जी कहते हैं 2 बड़ी चीज़ें, राशन फ्री देते हैं और टीका फ्री दे रहे हैं, आप खुश हैं? बहुत खुश हैं। मोदी जी से और योगी जी से हम बहुत खुश हैं। अच्छा, हाँ, अब वोट उन्हीं को देंगे हम। योगी जी को वोट देंगी? हाँ। क्या मतलब मुख्यमंत्री के रूप में योगी को अच्छा मानती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा उनको मानते हैं हम। तो आपके इलाके की समस्याएं क्या हैं? अब समस्या तो भाई हैं बहुत। क्या बताइए? अरे यही रोड सही साथ, नालियाँ सही साथ बन जाए, सही रहे तब। तो आपके जो विधायक हैं आते हैं यहाँ पे, उनसे कहा आपने? आपके कौन विधायक हैं? अब ये तो मैं नहीं मालूम। अरे बीजेपी के हैं, तो आप वो आए नहीं सड़क बनवाने? अब ये बनवा गए हैं, देख लिए, बनी तो है। अच्छा, ये यो बनवाए हैं, माननीय आजम जी के कोटे से पास हुई। अच्छा, ये बताइए, यहाँ सब आपकी मुस्लिम बहनें भी हैं, आप भी, सब कुछ यहाँ शांति रहती है? कोई नहीं, कोई नहीं, हम बहुत आराम से हैं यहाँ पे। प्यार से रहते हैं सब लोग, प्यार से रहते हैं सब लोग, चाहते हैं। 30 साल हो गए हमें रहते रहते यहाँ। सब लोग हमें अच्छे से रखते हैं, ये बात नहीं है। कोई हमें दिक्कत होती है, परेशानी होती, तुरंत दौड़ते हैं, ये बात नहीं है। हम खुश हैं यहाँ पे। तो योगी जी ने क्या अच्छा काम किया, अब योगी जी को वोट देने वाली है तो? अरे क्या बताइए, क्या काम किया योगी जी ने? अरे अब किया है अच्छा काम, या अब ये राशनी वाला किया, गैस वाला किया। गैस क्या किया? अरे गैस नहीं बंटवाया, दिया नहीं है, मोदी जी ने बंटवाया। आपको मिली भाई? हमें तो नहीं मिली, हम काय कहा। लोगों ने 2-3 बार फार्म भी भरा, कहाँ मिला? क्या नाम है आपका? माई नेम इज कौसर फातिमा, आई एम डूइंग ओटी टेक्नीशियन फ्रॉम नारायणा नर्सिंग कॉलेज। एंड आप बात कर रही हैं इलेक्शन के बेस पे, तो मेरा सपोर्ट जो जाता है वो अखिलेश यादव को जाता है, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे वर्क किए हैं। उन्होंने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है हिंदू और मुस्लिम में, ठीक है। एंड वेन जब से ये आए हैं मोदी सरकार, तब से उन्होंने NRC लागू करी, उन्होंने पक्षपात करे, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट करे कि व्हाट इज़ मुस्लिम, व्हाट इज़ हिंदू। इवन आवर चिल्ड्रन टुडे नो व्हाट इज़ हिंदू एंड व्हाट इज़ मुस्लिम, ठीक है। एंड रही बात एजुकेशन की, तो जो एजुकेशन, अगर जो पेरेंट्स अभी एजुकेटेड नहीं है वो अपने बच्चों को कैसे ऑनलाइन स्टडीज़ में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे उनको हेल्प कर रहे हैं। जो बच्चे, जो पेरेंट्स एजुकेटेड हैं सिर्फ वही वो हेल्प कर पाएंगे, जो अनएजुकेटेड है वो ऑनलाइन स्टडीज़ में वो कभी ज़िंदगी में हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई विल वोट फॉर अखिलेश यादव। अखिलेश से और क्या उम्मीद है आपको? क्या आपने उनका मैनिफेस्टो देखा है? हाँ बिल्कुल देखा है। क्या आपको अच्छा लगा? उन्होंने बेरोजगार भत्ता स्टार्ट किया, ठीक है। जो गरीब लोग थे उनके लिए उन्होंने हेल्प करी, उन्होंने रोजगार दिया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, ऐसा नहीं है। एंड मोदी सरकार ने क्या किया है? सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन किया है हिंदू और मुस्लिम में। वो राम मंदिर, अयोध्या को तोड़वा के राम मंदिर में वो आ गए, तो ये सब चीज़ें अच्छी थोड़ी ना है। अखिलेश यादव ने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया, तो आई विल नॉट डिस्क्रिमिनेट। लेकिन देखिए प्रियंका गांधी भी भर्ती विधान लेके आई, इसमें रोजगार की वो बात कर रही है। उस प्रियंका गांधी को एज ए CM नहीं देखना चाहती आप? नो। क्यों? नो, ओनली बिकॉज देखिए मेरा जो मैनिफेस्टो है वो जाता है अखिलेश यादव के, जिन्होंने एक बार मुझे दिखाया काम करने के लिए, तो मैं उन्हीं को ही वोट दूंगी ना, जिससे मुझे उम्मीद दिखती है, मैं उन्हीं को ही वोट दूंगी। मैं क्यों किसी अदर पार्टी को, जब मैं देख रही हूँ एक बार मोदी सरकार को वोट दे के कैसा देश का वो चल रहा है करिकुलम, तो मैं क्यों वोट दूंगी उनको। ये बताइए, इस समय योगी जी, मोदी जी एक बहुत दावा करते हैं कि हमने मुस्लिम बहनों का बहुत अच्छा किया, 3 तलाक लिया है, उनको सुरक्षा दी। देखिए पहली बात तो जो 3 तलाक की बात है तो कोई कुरान को बदल नहीं सकता है, ठीक है। कुरान को कोई बदल नहीं सकता है, बहुत बेटर है, ठीक है। वो शिया सुन्नी के लिए वो अलग बात है, कुरान को कोई बदल नहीं सकता है, चाहे वो कोई मोदी आ जाए या योगी आ जाए, ठीक है। औरत जो है इसको रिस्पेक्ट आदमी की करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी हो, है। और रही बात औरतों के साथ जो गलत करते हैं, हाँ तो वो एक अलग बात है, वहाँ पे औरत खड़ी होगी। लेकिन जो 3 तरह आजकल बहुत सी जनरेशन में औरतें हैं, वो आजकल अपने हस्बैंड की बात नहीं मानती है, बिकॉज दे थिंक कि दे आर एजुकेटेड, दे आर रेडी टू डू एवरीथिंग, बट नहीं। 3 तलाक की बात जो करी गई है वो गलत है। हम लोग को अपने इस्लाम में चलना है और इस्लाम के लिए ही वर्क करना है। अच्छा, एक और बात, महिला सुरक्षा जैसे एक बड़ा दावा सरकार कर रही है वर्तमान कि हमने महिलाओं को बहुत सिक्योर कर दिया है। हमें तो नहीं दिखता है, आजकल रेप हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस आज चले आ रहे हैं, हमें तो कहीं से नहीं दिख रहा है कि आजकल महिला क्या छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत काम हो रहा है। मुझे तो कहीं से महिला सुरक्षा नहीं दिख रही है, सिर्फ बातें करने से बात थोड़ी ना होती है। एक सब कुछ लोग जैसे कहते हैं, विरोधी कहते हैं आप कि अखिलेश के सरकार के समय गुंडागर्दी बहुत रहती है, इस समय शांति का माहौल है, आपको लगता है? मुझे तो कहीं से नहीं दिख रहा है। आए दिन दहाड़े लोग बच्चियों के साथ गलत कामें हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। और रही बात अखिलेश की, तो अखिलेश की सरकार में इतना नहीं होता था जितना मोदी की सरकार में होने लगा है, तो हम तो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे मोदी को। क्या नाम है आपका? फातिमा जी, बताइए आपकी इस विधानसभा क्षेत्र में या आपके मोहल्ले में क्या समस्या है, और आपके जो विधायक हैं वो आप समाधान किया उन्होंने? अब क्या ये रोड बना और क्या बना और कटल है, और तो कुछ हो नहीं रहा। राशन मिला? राशन तो मिल नहीं रहा है। तो अभी जो सरकार उससे खुश हैं आप क्या खुश है? जिनमें सब खुश है उसमें हम भी खुश हैं, और क्या बताएं। अब चुनाव फिर आने वाला, एक बार फिर से आपको मौका है वोट डालने का, तो किसको समर्थन करेंगे और क्यों? अब किसको देंगे, अब तो भाई वही जान सकते हैं। जो सब में राजी हो उसमें हम भी राजी हैं, और क्या बताएं। अच्छा, फ्री, इस सरकार ने आपको फ्री राशन दिया और क्या दिया? और क्या दिया कर नोटबाजी फ्री राशन तो दे रहा, और क्या दे रहा, और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए। अब ये कहा देखो सब गंदगी तो डली ये फैली बस, और क्या। और क्या चाहती हैं सरकार से आप? सरकार से यही चाहते हैं कि पूरा रोड बने, नाली साफ हो, या कर नाली तक तो साफ होती नहीं है कि गंदगी डली रहती है, और क्या। और क्या जो नया मुख्यमंत्री बने उससे अगर वो पूछे कि और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए भाई सभी, अब यही है सोचना चाहिए कि रोड सही है, पुलिया गंदी डली है, और क्या प्लाट देखो गंदे डले रहते इधर के, और तो सब ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम पांडे। शिवम पांडे, शिवम किसको समर्थन कर रहे हो, क्यों? हम तो योगी जी को समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम अच्छा किया। क्या काम अच्छा किया? बहुत से काम किए हैं, व्यवस्थाएं आप देखिए। अब जब व्यवस्थाएं हैं तो महंगाई तो बढ़ेगी ही ना, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो गली हो, कुछ भी हो। हम कह रहे हैं जब गली गड़बड़ है तो उस समय बोलिए ना आप, अब बोलने का क्या मतलब। तो इस समय चुनावी कोविड कोई यहाँ नहीं आया, कोविड पूरी दुनिया में आया है, ठीक है। हम ही प्रभावित नहीं हैं, हर लोग प्रभावित हैं। और गवर्नमेंट कोई भी हो जो अच्छा काम करेगी उसका समर्थन करेंगे, कोई हम अपने पर्सनल के लिए नहीं। देश सबसे बड़ा है, अगर वो सही कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं ना। अभी हम लोग मांग कर रहे थे 69,000 भर्ती के लिए, बहुत ज़्यादा मांग हुआ, शोर शराबा हुआ, क्योंकि इसके पहले 68,500 हुई थी, उसके बाद 69,000 हुई, ठीक है। इतनी जल्दी इतने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है ये संभव नहीं है। कोशिश होती, प्रक्रिया होती हर चीज़ की। अगर उनके बस में होता तो वो लॉलीपॉप दे देते कि हाँ हम 1 लाख भर्ती कर देंगे, क्यों नहीं दिया उन्होंने। सोच समझ के सरकार चला रहे हैं ना, ठीक है। जिसके लिए जो सही है वो कर रहे हैं, किसको क्या गलत करें आप हमको बताइए, क्या गलत है आप हमको बताइए, क्या गड़बड़ है। अभी जो मेट्रो में ना बैठिए ना, आपको समस्या है तो अपने हिसाब से देखिए ना। तो विक्रम नहीं चल रही हैं, विक्रम बंद हो गई क्या, या ई रिक्शे बंद हो गए, आप बताइए। मेट्रो की नींव किसी ने भी रखी, अमली जामा किसने पहनाया बताइए। अखिलेश जी ने लखनऊ में बनवा दी, कानपुर में किसने बनवाया, लेकिन दाई तो कपड़े पहनाती तो दाई माँ हो गई। इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो बहुत से काम अखिलेश जी ने छोड़ रखे थे, ये भी उसको छोड़ देते, उसी का नाम होता है। अच्छा आप कह रहे भर्तियाँ बहुत करी, अभी ये जो RRB NTPC की परीक्षा हुई उसमें बिहार में आंदोलन चला और इलाहाबाद में भी चला, तो आप जिस तरह से मतलब अभ्यर्थियों के साथ में व्यवहार हुआ आप उसको सही मानते हैं? देखिए जो संविधान है, संविधान के तहत सबको अपना बात करने का और रखने का अधिकार है, ठीक है। और रही बात योगी की और मोदी की, आप अपने घर में छोटा सा फंक्शन करिए, उसमें तो मामा या नानी सब नाराज़ ही हो जाते हैं, उनको तो पूरा देश चलाना है, पूरे देश में कोई ना कोई तो नाराज़ होगा। और रही बात इसकी कि जो है जो आंदोलन हुआ है तो उसके लिए बात कमेटी गठित की गई है, बाकायदे पेपर में भी निकला है, और सब आक्रोश जो था वो शांत भी हुआ है। मैं खुद B.Ed हूँ, 2 बार UP TET, 2 बार CTET, जूनियर एडेट, रीट लेवल फर्स्ट, सब क्वालिफाई हूँ तो बोल रहा हूँ। पढ़ेंगे और LLB कर रहा हूँ वर्तमान में, पढ़ेंगे तो जॉब मिलेगी, नहीं पढ़ेंगे तो फिर किसी की गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिलनी, कोई फ्री में घर में आके नहीं दे देगा। हम जॉब नहीं करेंगे तो खाना कोई नहीं खिला देगा, और रही सबको सब कुछ नहीं मिलेगा। हाँ इस समय में LLB कर रहे हैं। तो अभी तक आपको टीचिंग जॉब नहीं मिला? नहीं, मेरे एग्जाम निकले हैं। अच्छा, हाँ अब जब आएगी वैकेंसी तो मिलेगी, क्वालिफाई तो मैं हूँ ही, लेकिन जब वैकेंसी आएगी, जब बजट होगा, अभी तो गवर्नमेंट है, जो बात सही है वो सही है, गलत करने के लिए तो हम गलत तो किसी भी गवर्नमेंट को कह दें ना। उन्होंने सरकार ना, उन्होंने हमको जो है जॉब दी है ना इन्होंने दी है, लेकिन काम है क्योंकि हम जानते हैं, पढ़े लिखे हैं तो हमको पता है। कुल मिला के बात इतनी है, कहिए तो बोलते हैं अखिलेश जी अखिलेश जी। मतदान गुप्त होता है, ठीक है, तो जब गुप्त होता है तो वहाँ तो हम तो भी बोल देंगे, जितने लोग खड़े हैं सब बोल देंगे, क्या गारंटी है सब वोट दे देंगे बताइए। जितने बड़े बड़े मुद्दे थे सॉल्व किए कि अच्छा नहीं? योगी जी ने सबसे अच्छा काम क्या किया? योगी जी ने सबसे अच्छा काम ये किया कि हर चीज में निष्पक्षता लाई है। अगर आप राशन भी लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे किसी को ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, मिल तो सबको रहा है ना, मत लो ना जिसको नहीं समस्या आ रही भाई, जबरदस्ती थोड़ी देंगे। वो जबरदस्ती ये भी नहीं कहेंगे कि तुम हमको वोट दो, आगे घर पे आप अपने समर्थन से। जब उनकी सरकार आई थी ये नहीं कि हम ही अकेले ने, मैं तो यहाँ हूँ, मुझे 16-17 साल हो गए यहाँ रहते, किसी से कोई समस्या नहीं है हमको, मुस्लिम एरिया है, आंटी जी ने भी अभी यही बोला था, हम लोगों को कोई समस्या नहीं है। सरकार तो फिर योगी जी को क्यों कहना पड़ता है बार बार कि हम दंगा मुक्त स्टेट देंगे? देखिए कितने प्यार से रह रहे हैं आप लोग। कितने दंगे हुए मेरे मोहल्ले में तो नहीं हुए, इतना बड़ी कोविड आया, मेरे मोहल्ले में तो कुछ नहीं हुआ। हमको योगी जी हों चाहे अखिलेश जी हों, उससे मतलब नहीं। सोच बदलनी चाहिए लोगों की। अब यहाँ पे हैं, यहाँ पे किसको क्या समस्या है? इतने हमारे मुस्लिम भाई सारे यहाँ पे, हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम मुस्लिम एरिया में हैं। आप बताइए, तो लोगों की सोच बदलने से गवर्नमेंट कोई भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। किसी में महंगाई थोड़ा ज़्यादा, किसी में थोड़ा कम। और जब महंगाई बढ़ रही है तो सुविधाएँ भी तो बढ़ रही हैं। 10 साल 12 साल पहले की बात, अभी आज़ादी के ज़्यादा दिन नहीं हुए। कितनी बार गवर्नमेंट की सरकार आ रही, कितनी बार योगी की सरकार आई है? आप बताइए, 4 या 5 ही साल तो आया, 5 साल में इतनी बढ़ गई। 60 साल किसने राज किया? ये बात है ना। तो बाकी जिसको जो कहना है कहना, हम तो जो है भाई, हम यहाँ बोल देंगे लेकिन हम नहीं देंगे वहाँ, तो जो बात सही। और रही बात नाली की इसकी, तो जब बन रही थी तब बोलना चाहिए ना, अब बोलने से क्या मतलब।